हाय फ्रेंड्स, आज हम समोसे बनाने वाले हैं। तो समोसा बनाने के लिए पहले हमें उसका आटा बनाना होगा। तो आटा बनाने के लिए हमें लगने वाला है मैदा, तेल, इनो ये नहीं भी है तो चलेगा, नमक, पानी और अजवाइन। तो पहले हम अजवाइन को हाथ में ऐसे लेंगे और उसको ऐसे करके डालेंगे, इससे ना फ्लेवर आता है। और फिर इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, और इसमें अब इनो डाल देंगे और इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते हिलाएंगे। पहले आप एक से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आप धीरे धीरे पानी डालिए। समोसे का आटा हम एकदम जैसे लूज नहीं सानेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइट और थोड़ा लूज रहेगा, ऐसे सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा टाइट। हमारा आटा गूंथकर हो गया है। अब हम इसे गीले कपड़े में लपेट कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। समोसे का भरावन बनाने के लिए हमें लगने वाला है आलू। आलू आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से ले लेना, नमक स्वाद के अनुसार, मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, राई, मिर्ची, कड़ी पत्ता और नींबू, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने आलू मैश करके ले लिए हैं। अब हम देखेंगे कि आलू का भरावन कैसे बनाना है। आलू का भरावन बनाने के लिए हमने पहले गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। पांच ml तक हमने तेल डाल दिया है। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे, राई डालेंगे और इसे थोड़ा भून लेंगे। राई को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर राई हमारी कच्ची रहेगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप गैस को मीडियम लो फ्लेम पे रखना, अगर तेज रखेंगे, हाई फ्लेम पे रखेंगे तो आपकी राई जल सकती है और टेस्ट खराब आएगा। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे बना लेना अदरक और लहसुन को लेकर। अब हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, इसको चलाएंगे, लाल मिर्च डालेंगे, और आलू डाल के चलाएंगे।
हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस पे अपने हिसाब से नमक डालेंगे, अपने स्वाद के हिसाब से आप नमक डाल देना इसमें। हमने अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें धनिए की पत्ती डालेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालना। हम इसलिए डाल रहे हैं कि इससे इसमें फ्लेवर आ जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। और लास्ट में हम इसमें नींबू का रस डालेंगे कुछ बूंदे। नींबू हम इसलिए मिला रहे हैं, इससे हमारा भरावन का कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा रहेगा। कलर मतलब खिला हुआ रहेगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा भरावन तैयार हो गया है। अब हम आगे देखेंगे कि समोसे में इसको भरते कैसे। हमने भरावन को 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम अपना आटा लेंगे, देखो बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा है हमारा। अब हम इसमें से इसे कट करेंगे। हम आज दो तरह से बताएंगे कि कैसे भरते हैं। अब इसमें से आपको ऐसे कट कर लेना है, इसे गोले कट कर लीजिए। अब हम इसे बेलेंगे। पहले हम इसे लंबा बेलेंगे। कुछ लोग लंबे में भरते हैं, कुछ लोग गोल में भरते हैं, तो हम दोनों दिखाएंगे आपको कैसे करना है। अब हम इसे कट करेंगे। देखो हमने लंबा किया ओवल शेप में, अब इसे कट करेंगे। अब हम इसे लेंगे, आप देखो सबसे सिंपल क्या होता है, ऐसे करो और इस पे हल्का सा पानी लगा दो, पानी लगाने से चिपक जाएगा। फिर इधर से उठा के इसे ऐसे कर दो, रुको एक सेकंड, हाँ ऐसे चिपका देंगे। देखो हमारा समोसे का शेप बन गया, सबसे इजी तरीका है ये। और फिर हाथ में ऐसे रख लें। हम इसमें अब अपना भरावन लेंगे। भरावन ठंडा हो जाना चाहिए, अगर गर्म रहेगा तो आपका हाथ जल जाएगा। हम इसमें भरेंगे। अब इधर साइड में हल्का सा पानी लगाएंगे। अब इसे हम ऐसे चिपका देंगे। देखो हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही आसान है ये। ऐसे पानी लगाएंगे, देखो पानी लगा दिया, इससे दोनों को इसे जोड़ देना है, जोड़ दिया। ऐसे करना है, इसमें आलू भरना है, फिर ऐसे चिपकाना है। ऐसे हम कुछ बना के रख लेंगे। अब मैं बताऊंगी कि हमें गोल बना के कैसे भरते हैं। प्रोसेस यही रहती है, कुछ लोग लंबा करते हैं, कुछ लोग गोल करते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। जो आपको आसान पड़े आप वैसे कीजिए।
अगर आपका आटा चिपक रहा हो तो आप इसमें तेल लगा सकते हैं तवे या बेलन पे, आटे पे, या मैदे, थोड़ा मैदा ले लेना, सूखा मैदा, वो लगा कर भी आप कर सकते हैं। देखो हमारा गोल हो गया है, ना मोटा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। अब हम इसे वैसे ही बीच में से ऐसे कट कर देंगे। फिर हम ऐसे लेंगे इसको, जैसे मैंने पहले सिखाया था वैसे ही करना है। यहाँ पर पानी लगाना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़कर इसमें आलू का भरावन भर देना है। और फिर हम साइड पर पानी लगाएंगे और ऐसे जोड़ देंगे। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से बनाइए। ये हमने दोनों प्रोसेस आपको बता दिए लोग कैसे बनाते हैं, और रख दीजिए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने सारे समोसे बनाकर रख लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करने जाएंगे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है। अब हम इसे देखेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं वैसे हमारे, तो हम इसमें एक आटे का छोटा टुकड़ा डालेंगे। अब चेक करेंगे, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें समोसे फ्राई कर सकते हैं। हम इसे निकाल के फेंक देंगे। अब हम इसमें अपना समोसा डालेंगे। समोसे को हमें मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है। ब्राउन होने पर हम इसे निकाल लेंगे। मेरे समोसे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम सभी समोसों को फ्राई कर लेंगे। हमने समोसे फ्राई करके ले लिए हैं, अब मैं इसे गार्निश करके दिखाऊंगी। मैंने अपने समोसों को गार्निश कर दिया है। मैंने यहाँ पर सेजवान चटनी और ग्रीन चटनी ली है, आम और पुदीने की। आम और पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं ये हमने वीडियो डाल दिया है, तो आप देख लेना। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। और हमारे समोसे बहुत ही कुरकुरे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत पसंद आए तो कमेंट कीजिए।